हाय गाइस, आपका LGT इन 5 की वीडियो में स्वागत है। और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं शांजा अयूब, और मेरा नाम अर्शदीप सिंह है और मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ हम्बर कॉलेज में। क्या शांजा जी, आप हमें आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक रीसेंट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम UFT। मैंने अपना बैचलर्स किया था मैथ और बायोलॉजी में, और फिर अभी मैं करंटली कर रही हूँ अपना PhD, शुरू कर रही हूँ मैं सितंबर में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो उसके अलावा मैं मेंटरशिप में काफ़ी रह चुकी हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, काफ़ी मैं TA भी कर चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि फर्स्ट ईयर्स का क्या फीलिंग्स होती हैं अंदर आते हुए UFT या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हुए। चलो, तो आज का हमारा विषय होगा पाथ के ऊपर। हाई स्कूल के बाद आपको पाथ के ऊपर कैसे चुनना है। तो मैं अपना पहला सवाल आंजा जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने हाई स्कूल के बाद कौन सी पाथ चुनी थी? तो जब आप हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे होते हैं तो काफ़ी तो फर्स्ट चीज आपको होता है बहुत जनरल होता है, तो कोई भी आप पाथ चूज करेंगे बहुत ही जनरल किस्म का होगा। तो क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी तो मैंने लाइफ साइंसेस चूज किया था UFT पे। लेकिन ये जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जनरल होता है, आप अपने सेकेंड ईयर में जाके फिर आप सेलेक्ट करते हैं अपनी प्रॉपर स्ट्रीम, तो मैंने लाइफ साइंसेस चूज की थी। That's good. तो आपको इस बात के चुनने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, मतलब आपको क्या लीड थी इस बात को चुनने के पीछे आपकी? तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, तो मुझे वहाँ से तो मेडिसिन और बायोलॉजी का शौक था ही। लेकिन जब इतफाक की बात ये थी कि जब मैं यहाँ भी आई तो मेरी जितनी भी दोस्ती थी उन सबको कोई ना कोई जैसे लाइफ साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसी का शौक था, तो फिर मुझे भी नेचुरली उसी का शौक था, तो फिर मैंने इसी में अप्लाई किया। अपने अच्छा भी करती थी साइंस में, तो फिर मैंने बस यही मोटिवेशन थी। और फिर साथ में जैसे दोस्त टीचर्स सभी जैसे इनकरेज भी करते थे कि इसी कि मुझे यही पाथ चूज करना चाहिए, तो इसी वजह से फिर मैंने मेरा फ्रेंड ग्रुप डॉक्टर ही बनने वाला है। तो मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि आप जब अपने के लिए पाथ चुन रहे थे तो आपने किन किन मतलब रिसोर्सेज की मदद ली थी? या तो एक्चुअली काफ़ी सारे रिसोर्सेज हम मिल सकते हैं आपको जब हाई स्कूल में होते हैं। एक तो मैं कहूँगी कि जो आपके यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस से जो आते हैं या फिर यूनिवर्सिटी फेयर में जो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं यूनिवर्सिटी से वो आपको जैसे काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आप काफ़ी एक जनरल नॉलेज देते हैं। दूसरा आपके गाइडेंस काउंसलर्स जो करते हैं वो काफ़ी जैसे वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारे हाई स्कूल्स में ये होता है, या फिर अपने गाइडेंस काउंसलर खुद पूछ सकते हैं कि कौन सा जैसा आपको पाथ चूज करना चाहिए। काफ़ी दफ़ा अगर आपको किसी टीचर से बहुत क्लोज से हैं जो भी, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपको वो रिकमेंड करते हैं कि आप किसी उसमें जाएँ। मैं ये भी कहूँगी कि आपके जैसे यूनिवर्सिटीज के जो विजिट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज अपने ओपन, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक इनकमिंग स्टूडेंट हों या आपने उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे जैसे ओपन हाउसेज होते हैं वहाँ पे आप जाके कैंपस को देख सकते हैं, उनके प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद विजिट भी करती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़, तो वो बहुत सारे आपको रिसोर्सेज हैं। अगर आप जैसे वेबसाइट भी एक ऑब्वियस रिसोर्स है, जो आप जैसे किसी भी प्रोग्राम को आप जाना चाहते हैं, कोई भी पाथ लेना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे भी मिल जाती हैं। तो ये डेफिनेटली दोज वर लाइक ये सारी हैं जो मैंने अपने लिए भी इस्तेमाल की थी। काफ़ी सर्च की लगती है आपने। अगला सवाल मेरा ये था कि जब आपने अपना डिसीजन लिया था, कि आपकी मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन ने आपकी हेल्प भी की थी जिसका मतलब काफी एम हाई रोल रहा हो? मैं कहूँगी मेरी बहन की, क्योंकि वो उन्होंने भी जैसे उसी कैंपस में गई थी, उसी स्कूल में गई थी जिसमें मैं गई थी, तो उन्होंने काफी जी वो भी उन्होंने भी लाइफ साइंस किया था, तो उन्होंने भी लाइक जैसे उनका बहुत जैसे अच्छा अंदाजा था स्कूल के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया था इस लिहाज से। और फिर वो भी हमारी फैमिली में से सबसे पहली थी जो कनाडा में यूनिवर्सिटी गई, तो इसी उनको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा था कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, किस तरह की पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी इसमें। सही है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को भी रिकमेंडेशन वगैरह देना चाहेंगे जो हाई स्कूल के बाद अपनी पाथ चुनने जा रहे हैं? तो जब आप मैं बस ये कहना चाहूँगी जब आप
हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करते हैं, ये ना सोचें कि आप जैसे बिल्कुल अपनी पूरी जिंदगी का भी फैसला करने जा रहे हैं. मैं जैसे कहा था कि आपका फर्स्ट ईयर बहुत जनरल होता है, तो यानी आपको एक और ईयर मिलता है अपना पूरा डिसाइड करने के लिए. लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको के बारे में सोचना पड़ता है आपको, कि जैसे अगर आपके फाइनेंस के बारे में सोचना, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स की डिफरेंट फीस होती है, तो आपको उसके बारे में सोचना होगा कुछ प्रोग्राम्स. लेकिन इवन अगर फीस अगर आपको ज़्यादा आपकी वो है, लेकिन सोच सकते हैं ऑल्टरनेट वेज भी सोच सकते हैं. जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स किया UTM पे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसागा कैंपस पे, UTM बायोइनफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो नहीं करते. उसके अलावा वो करते हैं बायोलॉजी में मेजर, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में माइनर्स. तो इस तरह के आपको जैसे देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे आप मिक्स मैच कर सकते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो ये मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी उनके बारे में. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, आपको उनके जो यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस होते हैं उसमें के थ्रू अवेलेबल होती हैं. गाइडेंस काउंसलर्स, एडमिशंस ऑफिस जो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के, उनके पास अवेलेबल होती है. तो बस ये होंगी कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनको डेफिनेटली यूटिलाइज करें, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. तो डेफिनेटली यूटिलाइज करें और देखते रहेंगे, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई ऐसी कोई इवेंट आ रहा हो जिसपे आप जा सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको जैसे चेकआउट करें. चलो, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी आपने. मैं भी एक्चुअली मैं अभी अपने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मेरे को भी आपसे काफ़ी सीखने के लिए मिला है. आपका शुक्रिया. और किसी भी दर्शकों को कोई भी सवाल हो, आप हमारे LGT इनके ग्रुप में या और कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. और थैंक्स आंजा जी एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग. यू टू, बाय.